لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه صلى الله على النبي الكريم وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم عزیزان گرامی اسلام کے جو ارکان ہیں ان ارکان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اخلاق کی تعلیم دے رہے ہیں یہ موضوع ہے اور اس موضوع سے متعلق نماز جیسی اہم عبادت کے ذریعے کیا اخلاق سکھلائے گئے روزے سے کیا تعلیم دی گئی زکاة سے کیا تعلیم دی گئی ان پر گفتگو آ چکی ہے اور آج اسلام کا آخری رکن حج اس کے ذریعے کیا اخلاق کی تعلیم دی گئی مجھے وہ ذکر کرنا ہے اور مختصر ذکر کروں گا اور یہ موضوع آج یہاں ختم کروں گا شعبان کی 5 تاریخ ہے اور اگلی جمعہ شاید 12 تاریخ ہوگی شعبان کی تو شب برات ہے ان موضوعات پر گفتگو ہوگی میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا حج جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی پورے مذہب کو سمجھانے والی عبادت ہے پورے مذہب کو سمجھاتی ہے کہ بھئی اسلام ہے کیا مردوں کو بھی الگ سے سمجھاتی ہے عورتوں کو بھی الگ سے سمجھایا جاتا ہے زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اس کے مخصوص ایام ہیں انہی ایام میں حج ہوتا ہے اس کا ایک خاص لباس قرار دیا گیا اسی لباس میں یہ حج ہوتا ہے اس حج کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے جو اخلاق نماز اور روزہ زکاة کے ذریعے پیدا کی گئی تھی ان اخلاق کو کامل طریقے سے یہاں عمل کروایا جاتا ہے ان اخلاق پر مکمل طریقے سے عمل کروا کر بندے کو انسان کی شکل میں فرشتہ صفت بنا کر واپس لوٹایا جاتا ہے تو وہ انسان لیکن اس کی صفت فرشتہ صفت بن جاتی
अल्लाह तबारक व तआला ने जहां हज की हज के बारे में जिक्र किया, वहां अल्लाह ने फरमाया जो अपने ऊपर एहराम बांध ले या जो हज का इरादा करके चल पड़े, फला रफसा वला फुसूका वला जिदाल का, अब एहराम बांध लिया मर्द भी औरत भी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया अब बेहयाई की बात नहीं। क्या मतलब? एहराम ना हो तो बेहयाई की बात की जाए, ये मतलब है? ये मतलब नहीं। मतलब ये है कि मियां बीवी भी अगर साथ में हो, शौहर और बीवी इन दोनों में आपस में बेहयाई की गुफ्तगु ये दोनों करते हैं तो इनके लिए जायज है। मियां बीवी का वो रिश्ता है, उस रिश्ते के जरिए बहुत सारी चीजों की उसे गुंजाइश छूट मिली है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ये हलाल था तुम दोनों के बीच में एहराम से पहले। अब एहराम बांध लिए हो तो हलाल भी हराम हो गया, अब ऐसी पाबंदी करो कि बेहयाई की बात उससे भी ना करो जिससे करना तुम्हारे लिए जायज था। जिससे करना जायज नहीं उसके उसके साथ तो एहराम में ना हो तब भी ना करें, और जिसके साथ करना जायज था उससे भी हालत एहराम में ना करो। गोया बहुत सख्ती के साथ अमल करवाया, बेहयाई की बात नहीं होना, बेहयाई का कोई अमल नहीं होना, चाहे वो अपनी बीवी हो, फ्लाइट में पास में बैठे हो हालत एहराम में और दोनों की सीटें बाजू बाजू हो, तब बदन लगे और बदन लगने के मौके पर ख्याल कहीं और मुंतकिल होता है तो बदन को अलग कर लो। जो मजहब आपको बेहयाई से रुकने की इतनी सख्त तालीम देता है और हालत एहराम में उसकी पाबंदी करवाता है, उम्रे में भी और हज के 5 दिनों में भी, उन 5 दिनों में सख्ती के साथ अमल करवाता है और गोया पूरी जिंदगी के लिए तालीम देता है कि जिनके साथ जो तुम्हारे तुम्हारे रिश्ते इज़दिवाज में है, बीवी है, उसके साथ जितनी हद तक जायज है वो तो जायज होगा, लेकिन उसके अलावा बेहयाई का अमल, बेहयाई की बात, ये पूरी जिंदगी जायज नहीं है। और ख्वातीन औरतें, उनके एहराम, उनका लिबास, उस सर के बाल से पैर के नाखून तक रख कर बता दिया कि तुम्हारा पूरी जिंदगी लिबास यही है, बेहयाई की इजाजत नहीं। और दूसरा फरमाया वला फुसूक, फिस्क गुनाह को कहते हैं। एहराम बांध लिया अब किसी किस्म के गुनाह की इजाजत नहीं, चाहे वो गुनाह छोटा हो, वो जायज पहले भी नहीं था, लेकिन अब एहराम की हालत में आने के बाद उस पर अमल करना है सख्ती के साथ। अच्छा, अमल तो पहले भी करना था, हाँ पहले भी अमल करना था, लेकिन हालात आम जैसे थे, मुमकिन है गुनाह हो जाए, लेकिन यहां तुम्हें एक चादर उड़ा करके ज़हनो दिमाग में ये बिठा दिया कि अब तुम्हें खास हालत में, वो चादर, उसे एहराम की चादर कहो या कफन की चादर कहो, कि जिंदगी में कफन पहनाया गया और मरने के बाद वाले कफन की याद दिलाई जाती रही 5 दिन मुकम्मल कि देखो यही तुम्हारा असल लिबास, जिसमें ना कोई सिलाई है, ना कोई पॉकेट है, ना तुम कहीं पैसा रख सकते हो, यही लिबास होगा तुम्हारा। वो एहराम में बेल्ट बांध लेते हो, कफन में बेल्ट भी नहीं होगी,
इस लिबास के साथ वो ज़हनो दिमाग में ताजा किया जाता रहता है कि कोई गुनाह नहीं करना। देखो तो ये मश्क कराई जाती है पूरी जिंदगी गुनाहों से बचने की। ये तालीम दी गई थी वहां भी, नमाज में भी, रोजे में भी, जकात में भी, लेकिन यहां लाके आपको अमल करवाया जाता है। 5 दिन इस तरीक पर चलाया जाता। तीसरी चीज फरमाई वला जिदाल, झगड़ा ना करो। हज में हालत इहराम में झगड़ा ना करो, और झगड़ा ना करना ये अखलाक की बहुत ऊंची किस्म है। बेहयाई ना करना, ये हया के साथ रहना ये बहुत ऊंचे अखलाक हैं। गुनाह से बचने की कोशिश करते रहना बड़े ऊंचे अखलाक हैं, और झगड़ा न करना बड़े ऊंचे अखलाक हैं। किसी से उलझना नहीं, किसी को जवाब नहीं देना, किसी से झगड़ा नहीं करना ये बहुत ऊंचे अखलाक हैं। ये तालीम पीछे भी दी गई थी, यहाँ अमल करवाया जा रहा। यहाँ अगर ज्यादती भी हो जाए तो बर्दाश्त करने की तालीम दी, सब्र करने की तालीम दी, और ये पूरी जिंदगी इस पर अमल करने के लिए 5 दिन वहां अमल करवाया गया। आप गौर करेंगे दुनिया के किसी मजहब में ऐसा कोई निजाम नहीं है कि वहां तालीम भी दी जाए और फर्ज के दर्जे में ला करके उनकी उन पर अमल भी करवाया जाए, मश्क भी करवाया जाए, ऐसा किसी मजहब में। अच्छा, आप और आगे चलेंगे तो आपको हज हो चाहे उम्रा हो उसका एक अहम अमल जो है तवाफ है, खाने काबा का तवाफ करना है। इस तवाफ में आपको आजाद छोड़ दिया और कह दिया कि हमने तालीम बहुत दी तुम्हें बेहयाई से बचने की, गुनाह से बचने की, झगड़ों से बचने की तालीम बहुत दी, अब तुम्हें खुले मैदान में छोड़ते हैं जहां दुनिया भर की मुख्तलिफ ममालिक की वहां खवातीन होंगी, वो भी तवाफ कर रही होंगी, और तुम्हारे उनके दरमियान कोई आड़ नहीं होगा, और वहां कभी बहुत ज्यादा भीड़ हो तो एक दूसरे को चिपक के चलना पड़ेगा। फरमाया कि इस खुले मैदान में अगर तुम्हारा ज़हनो दिमाग पाक है तो तुम मुसलमान, तुम समझ लो कि तुम साहिब ईमान, और अगर हालत तवाफ में गुनाह का ख्याल आया और किसी की किसी खातून की तरफ तुम्हारी नजर उठी या किसी खातून से टकराव हो गया तो गलत ख्याल आ गया, या तुमने खुद से चाहा कि मैं इसके पीछे या दाएं बाएं चलूं ताकि जिस्म उससे लग जाए, शायद इससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं होगा। और उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज रोजे जकात के जरिए जो कुछ सिखलाया वो सब ला करके यहाँ अमल करवाने के लिए खुले मैदान में छोड़ा आजमाने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली वहां नाजिल होती है, नुजूल होता है तजल्ली का, रहमतें वहां नाजिल होती हैं। अजीब गरीब खौफ होता है उस खाने काबा के अतराफ चक्कर लगाते हुए खौफ तारी होता है। ऐसी जगह पर गुनाह का ख्याल आ जाना ये इंसान की बदबख्ती की अलामत।
उस इंसान की तबाही, गुमराही और उसके हलाक होने से कोई बचा नहीं सकता। सूरत हाल कुछ ऐसी ही हो गई, लोग तवाफ करते हुए भी जरी हो गए, तवाफ करते हुए अल्लाह तबारक व तआला का खौफ तारी होना चाहिए था, वो खत्म होता जा रहा है, जरी हो गए लोग, जुर्रतमंद हो गए। तवाफ में तवज्जो खुदा की तरफ कम, तवाफ में तवज्जो दुआओं की तरफ कम, तवाफ में तवज्जो वीडियोग्राफी, सेल्फी और अपने आप को नुमाया करके तवाफ की हालत में उन तस्वीर को भेजने और उस पर मुबारकबादियां वसूल करने का अमल हो रहा है। अहम तरीन इबादत थी, जिस इबादत के जरिए उसे कामिल मुसलमान, कामिल मोमिन बनाने की कोशिश शरीयत की और दीन की थी, उसकी धज्जियां उड़ाने लगा। जाहिर सी बात है, जो आदमी हालत तवाफ में वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, सेल्फी में लगा होगा, उसका ज़हनो दिमाग कहाँ इबादत की तरफ होगा, मुख्तलिफ वादियों में भटक रहा होगा। उन वादियों में गुनाह की वादी भी है, उन वादियों में बेहयाई की वादी भी है, उन वादियों में भटक रहा है और समझ रहा है कि मेरा तवाफ हो गया, समझ रहा है कि मेरी सही हो गई, मैं मुअतमिर उम्रा करने वाला बन गया, मैं हाजी बन गया। वो अपने गुमान में ये समझ रहा है, लेकिन जब वापस आता है तो पहले जितना शरीफ था उससे ज्यादा शरीर बन के लौट रहा है। पहले कुछ नेकी भी उसके अंदर थी, अब उस जगह में जाकर के आ गया तो अब रही सही नेकी भी खत्म। ये तो हमने जेलों के बारे में सुन रखा था कि जेल जाने से पहले मुजरिम डरता है और एक मर्तबा जेल जाके आ गया तो अब डर खत्म हो जाता है, अब खुल्लम खुल्ला वो जुर्म करने का आदि बन जाता है। जेल के बारे में तो ये सुना था और खाने काबा के बारे में ये पढ़ा भी, सुना भी, देखा भी कि शरीर से शरीर, मुजरिम से मुजरिम आदमी जब वहां से लौटता है तो शरीफ बन के, आबिद, जाहिद, मुत्तकी बन के लौटता है, ये सुना था। लेकिन अब वो बिल्कुल उसका बराक्स हो गया, उल्टा हो गया। आपको खुले मैदान में छोड़ा गया था आजमाने के लिए, मताफ का जो मैदान है ना, उसमें आपको छोड़ दिया गया, जाओ। और आजमाइश भी होती है बहुत ज्यादा, बहुत आजमाइश होती है। वो जो बनी इसराइल में हजरत मूसा की कौम को अल्लाह ने कहा कि भाई वो लोग, उनका कारोबार समंदर की मछलियों को पकड़ना, बेचना, उसी को खाना, यही उनका जरिए माश था। अल्लाह ने उनसे कहा कि भाई देखो, हफ्ते को मछली ना पकड़ना, हफ्ते को खालिस मेरी इबादत में गुजारना, हफ्ते के दिन को मछली नहीं पकड़ना। एक तरफ तो ये हुक्म दे दिया और दूसरी तरफ उन्हें आजमाना भी शुरू कर दिया कि हफ्ते को बहुत सारी मछलियां जो है वो सतह पर ऊपर आ जाती, साहिल के करीब किनारे आ जाती बहुत मछलियां। अब ये ललचाई हुई नजरों से मछलियों को देखते, यार आज खूब मछलियां आई हैं, आज पकड़ते तो माला माल हो जाते, लेकिन अल्लाह ने मना कर रखा था कि भी मछलियां नहीं पकड़ सकते। ये आजमाइश थी, उस आजमाइश में वो नाकाम हो गए। उन्होंने मछलियों को पकड़ा, एक दूसरे अंदाज से पकड़ा, अल्लाह को धोखा देने की कोशिश की। उस अंदाज से पकड़ा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस पूरी कौम को, जिन्होंने हफ्ते के दिन मछली का शिकार किया था, उन सब को अल्लाह तबारक व तआला ने बंदर बना दिया। और ये कुरान मजीद की आयत है, हकीकत में बंदर,
ऐसा नहीं वो इंसान से बंदर बना दिए गए, वो हकीकत में बंदर बना दिए गए थे। 3 दिन जिंदा रहे थे फिर सब मर गए। कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کیا تم جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ہفتے کے دن کے حکم میں زیادتی کی، حد سے آگے بڑھے، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ تم ذلیل و رسوا بندر، تو وہ بندر ہو گئے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرف تو شکار کو منع کیا، دوسری طرف مچھلیوں کو بھیج دیا، یہ آزمائش ہے اللہ کی، اور دنیا آزمائش گاہ ہے، یہاں پل پل آزمائے جاتے ہو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے بندوں کو، جھوٹ بولو تو دن میں 5,000 روپے کماؤ اور سچ بولو تو 500 روپے نہ کماؤ، آزمائش ہے۔ وہاں بھی اللہ نے آزمایا کہ دیکھو ہم نے تمہیں تعلیم بھی دی، تربیت بھی دی، اب کھلے میدان میں چھوڑ دیا، اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کتنے حیا والے بنے، تم کتنے گناہ سے بچنے والے بنے، اور کتنا تم جھگڑے سے بچنے والے بنے۔ اس کھلے میدان میں اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، ساتھ میں آزماتے بھی خوبصورت دنیا کی بہترین خواتین کو اطراف و اکناف طواف کی حالت میں لے آئیں گے۔ اب آدمی کا امتحان ہونے جا رہا ہے، زبردست امتحان ہے، آیا اپنے ذہن و دماغ کی حفاظت کرتا ہے، بدن کی حفاظت کرتا ہے، یا بڑے طاقتور لوگوں کو، حبش کے لوگوں کو اطراف سے گزارے گا، وہ ایک کوہنی آپ کو ایسا ماریں گے آپ 2 قدم دور چلے جائیں گے، غصہ آئے گا۔ اللہ نے کہا ولا جدال، جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ اب وہ آزمانا چاہتے ہیں اللہ، اس نے خود دھکا نہیں دیا، اللہ نے کہا آزما لو اس کو۔ حج جو ہے یہ ایمان کی تکمیل کرائی جاتی ہے، اس میں کامل مومن بنایا جاتا ہے، کھلے میدان میں چھوڑ کے امتحان کرایا جاتا ہے۔ اس امتحان میں جو کامیاب ہوا بس وہ کامل مومن بن کے لوٹا، اور اس امتحان میں جو ناکام ہو گیا اس کا طواف بھی کچھ نہیں، اس کی سعی بھی کچھ نہیں، اس کے رمی اور اس کا قیام مزدلفہ، عرفہ کا قیام، کچھ نہیں، سب وہ ایک رسم ہے، رسم پوری کر رہا ہے۔ وہاں پہنچ چکا ہے تو وہ کام کرنے ہیں، کر رہا ہے، باقی اس کی حقیقت، اس کے اثرات اندر منتقل نہیں ہوتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس طواف کے بعد سعی کروائی، اس میں یاد دلائی حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کی یاد دلائی اور بتلایا کہ دیکھو کیسے کیسے اللہ کے بندے بندیاں گزری ہیں، تنہ تنہا خدا کے حکم سے جنگل میں رہنے کو گوارا کر لیتی ہیں، زندگی کے کوئی آثار نہیں، کھانا پینے کا کوئی نظام نہیں، کوئی انسان وہاں نہیں، روشنی کا کوئی نظام نہیں، اندھیرے میں جنگل میں، بس ایک نسبت خدا کا یہ حکم ہے، اس حکم پر ایک خاتون اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر رہنا گوارا کر لیتی ہے، اور تم اس خاتون سے گئے گزرے ہو اور تمہیں اتنا سخت حکم بھی تو نہیں ملا، تمہیں تو بڑی آسانیاں ہیں، تمہیں تو بڑی راحتیں ہیں، پھر بھی تم سے شریعت پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، بوجھ سمجھ رہے ہو شریعت کو۔ جی پھر بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے نزدیک اگر کسی کا عمل مقبول ہوتا ہے تو اللہ اسے، اس کے عمل کو اور اسے زندہ رکھتے ہیں قیامت تک۔ حاجرہ کا عمل اللہ کو قبول آ گیا، اس کو زندہ رکھ دیا قیامت تک۔
और भी अल्लाह के बहुत सारे बंदे हैं जिनके आमाल को अल्लाह तबारक व तआला ने उनके नाम को उनके अमल को कियामत तक जिंदा रखा है। वो आप भी हो सकते हैं, उस दर्जे के ईमान को पहुंचे और उस जैसा इखलास वाला अमल करें तो इखलास के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला उस अमल को भी जिंदा रखेगा और करने वाले को आमिल को भी जिंदा रखे। तो बहरहाल मैं ये बताना चाह रहा था आप हजरात को, मैंने रबीउल अव्वल में ये मजमून शुरू किया था कि अल्लाह के नबी के अखलाक बहुत ऊंचे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ऊंचे अखलाक पर आपको पैदा फरमाया था, ये मौजू था और इस मौजू से हमने पांचों अरकान को लिया और उन अरकान के जरिए अखलाक की तालीम को आप हजरात के सामने मैंने रखने की कोशिश की और इसको यहीं रोकता हूँ, ख़त्म करता हूँ। फिर अगली जुमा शाबान रमज़ान से मुतालिक, शबे बरात से मुतालिक कुछ अहम बातें जिक्र की जाएंगी, दुआ फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको बाअखलाक बनाए, अल्लाह तबारक व ताला अखलाक का पैकर और मुजस्सम बनाए, बद अखलाकी से, बदखुल्की से, बेअदबी से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। जो है ये जो बीमारी गुज़िश्ता साल आई थी कोरोना कोविड, फिर एक मर्तबा बढ़ती हुई दिखलाई जा रही है, हमें नहीं पता कि हकीकत में वो बढ़ रही है या बढ़ा के दिखाया जा रहा है, इससे हटकर हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अखबार में और नशरो इशात के दीगर जराए में मीडिया के जरिए ये बावर कराया जा रहा है, यकीन कराया जा रहा है कि मर्ज बढ़ रहा है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की फिर हिदायतें देने का सिलसिला शुरू हो चुका है, पता नहीं आगे चल के होगा क्या। चूंकि शाबान की 5-25 दिनों में रमजान शुरू हो रहा है, एक रमजान तो हमारा ऐसे ही चला गया जिसमें हम मस्जिदों में आने से रोक दिए गए थे, फिर रमजान करीब आ रहा है, फिर पता नहीं क्या सूरत हाल बन रही है। आज के अखबार में हमने देखा कि यहाँ हुकूमत ने बयान दिया है कि 3 हॉस्पिटलों को कोविड सेंटर फिर दोबारा बनाने की हिदायत दे दी गई है, मरीज बढ़ रहे हैं और हिदायत पर सख्ती के साथ अमल करने का भी हुक्म दिया गया है, लिहाजा मास्क उसका एहतमाम दोबारा करने की जरूरत है और खुसूसन मजहबी जगहों में, मसाजिद में या और कहीं मजहबी जलसा हो तो वहां बहुत ज्यादा एहतमाम करने की जरूरत है, इसलिए कि गुज़िश्ता का तजुर्बा हमारे सामने है। गुज़िश्ता उन्हीं तारीखों में 17, 18, 19 मार्च की तारीखों में मरकज निजामुद्दीन में कोई जोड़ था तो इस पूरे मर्ज का जिम्मेदार उसको बना दिया गया और खूब ढंडोरा पीटा गया, पता नहीं 6 महीने तक उसी का हवा खड़ा किया गया। फिर सुप्रीम कोर्टों के जरिए फिटकार लगाई गई कि भाई इसका कोई ताल्लुक मरकज का, वो तबलीग के साथियों का इसका कोई ताल्लुक इस मर्ज के साथ। बहरहाल हमारी कमेटी ने भी आपसे गुजारिश करने के लिए कहा है, आप सब हजरात से, कि यहाँ मस्जिद में आते हुए मास्क पहन के आया कर
करें अब इसके बाद की नमाजों से, और शायद फिर फासिले से खड़े होने का सिलसिला भी अभी शुरू होगा, आजकल में यहाँ भी शुरू करने का मशवरा हुआ है, तो फिर एक मर्तबा फासिलों से खड़े होने का, मास्क पहनने का, सैनिटाइजर इस्तेमाल करने का, ये तीन हिदायतें अहम हैं जो दी गई है और देने के लिए मुझसे कहा भी गया है। तो आप हजरात से गुजारिश है इसका एहतमाम करें और खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें, इज्तिमाई भी इनफिरादी भी। रमजान में आप सब हजरात के और पूरे महल्ले के मस्जिद में आके पांचों नमाजों में मस्जिदें पुर रखने का मोहताज अल्लाह नहीं, वो दुनिया के लोग हैं कि उनकी दावत ज्यादा। मेरी रैली कितने आ गए थे, दुनियादार दुनिया के इंसानों का काम गुज़िश्ता साल मसाजिद वीरान रही पूरा रमजान, अल्लाह की शान में कोई कमी नहीं है। और इस रमजान में सारी मसाजिदें भर जाएंगी, अल्लाह की शान में कोई इजाफा नहीं। जिस मकाम पर उनको होना चाहिए वो रोजे अव्वल से है, वो इंतहा तक रहे। हमारी जरूरत है, हमारी सआदतमंदी है, हमें दुआओं का इस्तेमाल करना चाहिए, इज्तिमाई भी इनफिरादी भी। अल्लाह इस मर्द को कम और ख़त्म फरमाए और रमज़ान में भरपूर इबादात का, मसाजिद को आबाद करने और रखने का मौका हम सबको अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला